तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। तो आज एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें तूफानी तेजी देखने को मिली है और ये बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी का स्टॉक है, यानी कि टॉप लार्ज कैप कंपनी में आता है ये स्टॉक। और यहाँ पे अगर आप इसकी तूफानी तेजी ही देखेंगे तो यहाँ पे भयानक तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है। करीब करीब जो है, अगर हम आप दिन में काउंट करते चलिए इसको, तो ये दिन में करीब 29 नवंबर यानी एक महीना पहले जो ये 715 रुपये का था और एक महीने के अंदर ये 912, यानी कि पूरे के पूरे जो है इसने 200 रुपए की तेजी दिखाई है। 200 रुपए की तेजी, और 200 रुपए की तेजी कब नहीं होती, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 100 स्टॉक्स होते हैं इसके पास, तो आप करीब करीब 20,000 रुपए तक का आपको जो है प्रॉफिट बन गया होता है। लेकिन क्या ये सब बातें कैसी लग रही है? ये सब बातें जो है बहुत ही अच्छी लगती है सिर्फ सोचने में, देखने में, सुनने में। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी जो ये स्टॉक में रैली कर चुका है, बहुत ज्यादा कर चुका, रैली इतना ज्यादा कर चुका है कि उससे पहले हम गिरावट भी देख लेते हैं ना, ये गिरावट यहाँ पे आई थी। तो जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे स्टॉक्स को खरीद लिया होगा, यानी कि 800 सॉरी क्या मतलब जो है 700 रुपए के हिसाब से, हो सकता है आपने 800 रुपए के स्टॉक पे खरीदा हो और यहाँ पे आप जो है जब 700 रुपए पे आ गया था वो वहां पे निकल गए हो, क्योंकि गिरावट भी लगातार चल रही थी स्टॉक्स में और उसके बाद जिसने रैली पकड़ी है और रैली जबरदस्त। और वॉल्यूम देखिएगा कि हम स्टॉक के वॉल्यूम जो है यहाँ पे जो है 51 मिलियन डॉलर स्टॉक्स सॉरी 51 मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा की वॉल्यूम इसमें हर दिन होती रही है। अभी ये देखिए ये ओवरबॉट स्टॉक्स में चल रहा है, तो यानी कि ये है ओवरबॉट, अभी भी है ओवरबॉट है, तो यानी कि अभी इसमें आपको खरीदारी करते हैं तो आपको खरीदारी यानी कि यह रिस्की हो सकता है यहाँ पे। हालांकि ये स्टॉक्स अच्छा है लेकिन अभी इसमें जो है खरीदारी करने का कोई भी वो नहीं मिलता है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बोला ये ओवरबॉट का मतलब ये समझते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पे इसमें खरीदारी हो चुकी है, तो इसलिए आप इसमें जो है इसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, बाद में जो है इसमें गिरावट का इंतजार करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सिस बैंक का, थोड़ा सा हम सर्च करते हैं तो एक्सिस बैंक के बारे में हम यहाँ पे फंडामेंटल निकालेंगे। ठीक है, फंडामेंटल निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एक्सिस बैंक के न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है। तो देखिए न्यूज़ वगैरह देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, तो लेवल डॉलर एफडी रेट इंडियन पार्सली रेट चेक करें तो इसमें न्यूज़ वगैरह तो कुछ आ नहीं है। इवेंट्स देखते हैं, बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग 2 अक्टूबर को हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी के जो है मार्केट कैप के बारे में बात करें, मार्केट कैप देखिए बहुत बड़ी, करीब करीब लगभग 2,80,000 करोड़ से भी बड़ी मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब ये है कम से कम ये कि स्टॉक्स सॉरी लगभग लगभग 3 लाख, यानी लार्ज कैप कंपनी का मतलब समझते हैं कि मार्केट में निफ्टी 50 में मतलब इसमें एक मायने रखता है, एक अपनी एक जगह बना के रखता है निफ्टी 50 में। और TTM 1,500 रुपये, PB रेशियो 2 रुपये, इंडस्ट्री PB रेशियो 10 रुपये, डेट इक्विटी 1 रुपये है, बुक वैल्यू 418 रुपये। डिविडेंड वगैरह तो कंपनी नहीं देती है क्योंकि ये अपने ही बिजनेस में ये पैसा लगाती है, उसी को जो है ये और इम्प्रूवमेंट करती है, तो डिविडेंड वगैरह बहुत कम है इसका, कभी कभी मिल जाता है। ROE जो है 12 रुपये का है, फेस वैल्यू 2 रुपये का स्टॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, रेवेन्यूज देखते हैं, रेवेन्यूज कंपनी का लगातार अपसाइड दिखा रहा है, लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि 20,000 करोड़, पिछले एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले में 20,000 करोड़ था, फिर सितंबर दिसंबर में 22,000 करोड़, फिर 23,000 करोड़, फिर 22,000 करोड़, फिर 25,000 करोड़, इस बार इसने बहुत ही धमाकेदार जो है रिजल्ट दिया है और काफ़ी अच्छा जो है रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हुआ है। तो ये चीज़ है, तो कंपनी के जो है अगर हम कुछ तो और चीज़ें देख लेते हैं, एक्सिस बैंक के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि आप लोगों सभी लोगों को पता होगा इंडिया बेस्ड, इंडिया जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की, तो कंपनी सेगमेंट इंक्लूड द ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, द ट्रेजरी इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, सोवरेन बॉन्ड, डेब्ट एंड इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ऑपरेशन, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल रोल, रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, कस्टडी, लॉन्ग टर्म, XYZ, बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर कवर करते हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो एक्सिस बैंक जो है लिमिटेड है, श्री अमिताभ चौधरी का है, सॉरी सेमी अमिताभ चौधरी इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी इसमें। तो फाउंडेड 1993 में फाउंड हुआ था, सोचिए 20 साल पुरानी कंपनी है, मात्र 20 साल पुरानी में 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने बना दी है। इतनी बड़ी मार्केट कैप बनाने वाली शायद कोई बैंकिंग सेक्टर में दूसरी ये कंपनी है HDFC के बाद में, तो HDFC, ICICI और भी बड़ी पुरानी कंपनी है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी इसमें क्या देखिए इसमें एक ये चीज़ नहीं, तो मैं तो स्टे अवे की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए वेट एंड वॉच करना चाहिए।
अभी इसमें वेट एंड वॉच, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, वेट एंड वॉच, और अभी इसमें गिरावट का इंतजार करना चाहिए, गिरावट का इंतजार। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब ये इसमें गिरावट हो तब आप जो है इसमें वन टाइम कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट ना करें। आप कम से कम जो है इसमें थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठाते रहें, अपने पोर्टफोलियो बनाते रहें, और वहाँ पे जो है यहाँ पे आपको फिर बाउंस बैक मिलेगा, और ये बाउंस बैक अच्छा मिलेगा, और ये अच्छा बाउंस बैक देगा, और ऐसा बाउंस बैक देगा कि यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। वैसे रिटर्न मिलेगी कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिखा सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर की जो है स्टॉक्स हैं। लेकिन अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलता है रैली कर चुका है, ठीक है, ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा दौड़ चुका है, इसको आम भाषा में बोलते हैं दौड़ चुका है। तो जब ये दौड़ चुका है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थकावट जरूर आएगी स्टॉक्स में, और थकावट आएगी तो इंतजार करना पड़ेगा, और उस थकावट का वेट करना पड़ेगा, और वो मौका आपको देखना पड़ेगा लपकने। और वही चीज़ें अगर हम यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर से भी देखते हैं, चाहे वो MACD हो, देखिए MACD यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ज़्यादा बन चुका है, और RSI भी जो है यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज में चल रहा है, यानी कि ये तो RSI है, MACD है, ये सारे के सारे स्टॉक ऊपर ज़्यादा बढ़ चुके हैं, रैली कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चर जो है यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करने का वो देती है, अलर्ट करती है, तो वेट एंड वॉच करना जरूरी हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में जब यहाँ पे स्टॉक्स में रैली कर चुका हो, भले वो लार्ज कैप स्टॉक हो और क्यों ना। लेकिन अगर यहाँ चार्ट देखें, चार्ट कितना ज्यादा इसका खूबसूरत नजर आता है, वीकली चार्ट तो मैंने अभी देखा नहीं, वीकली चार्ट आप लगा के हम देखते हैं थोड़ा सा, और वीकली चार्ट देखिए काफी अच्छा, यानी कि एक स्विंग फॉर्म में यहाँ पे आपको वीकली चार्ट यहाँ पे दिखेगा, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक यहाँ पे काफी ज्यादा मौके आपको देता रहा, यानी कि यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, यानी कि यहाँ पे देखिए कितने लंबे समय तक यहाँ पे ये स्टॉक आपको मौका देता रहा है, और ये मौका आपको फिर मिलेगा, और मिलेगा तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, कोई जल्दी नहीं, कोई भी क्या करना पड़ेगा, कोई जल्दी नहीं दिखाइए, कोई भी जल्दी नहीं दिखाइए, जब तक कोई जल्दी नहीं दिखा, आप अगर जितना भी ज़्यादा आप क्या करेंगे पेशेंस दिखाएंगे, आपको उतना ही बड़ा क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो पेशेंस के को दिखाने के बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी उतना ही बड़ा फायदा आपको पेशेंस दिखाने के बाद मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, और मार्केट को आप जब तक नहीं समझेंगे पैसा नहीं बनाएंगे, मार्केट को आप समझिए पैसा बनाइए, मार्केट जो समझता है पैसा तो बनता है।